किसानों के आंदोलन के आज 14वें दिन का सूरज भी अब ढल चुका है। कल 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह के यहां पर एक बैठक हुई, 13 किसान नेताओं के प्रतिनिधियों ने जाकर के उस बैठक में शामिल हुए, उसमें हिस्सा लिया, लेकिन नतीजा विफल रहा। आज जो कि एक मीटिंग विज्ञान भवन में छठे राउंड की होनी थी, वो भी कैंसिल इसी बाबत कर दी गई थी सरकार की तरफ से। यानी खुद अमित शाह ने अब जब हस्तक्षेप किया है तो उन्होंने एक रिटर्न ड्राफ्ट भेजा है, वो संशोधन कानून को लेकर के, कि कानून में संशोधन किया जा सकता है, तरमीम की जा सकती है, और इसके ऊपर लगभग 7 बिंदु लिख करके भेजे गए, एक मसौदा भेजा गया, लेकिन किसानों ने खुले तौर पर उसको भी नकार दिया। अमित शाह के जरिए भेजे हुए उस मसौदे को भी रद्द कर दिया। संशोधन के लिए कोई भी किसान अब तैयार नहीं हो रहा है। और एक बड़ी खबर आपको ये देनी है कि 12 तारीख को यानी 12 दिसंबर को जहां दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने की आज घोषणा की गई है, वहीं 14 दिसंबर को तमाम देश में, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पूरे देश भर के जो जिला अधिकारियों के दफ्तर हैं उनको भी घेरने की बात सामने आ रही है। बहरहाल जो ड्राफ्ट आज सरकार की तरफ से किसानों को भेजा गया, उससे भी किसान पूरी तरह से नाराज हुए और उन्होंने सरकार के इस भेजे हुए प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया, पूरी तरह खारिज कर दिया। इसी बारे में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें सभी किसानों ने एक साथ आवाज में आवाज मिलाते हुए, सभी किसान यूनियनों के नेताओं ने, इनके हेड्स ने साफ कह दिया है कि हम लोग सरकार के इस भेजे हुए संशोधन प्रस्ताव को खारिज करते हैं, उसको नकारते हैं। लिहाजा अभी ये मामला और खींचने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई उसमें राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं, उनके अलावा जंगवीर सिंह किसान नेता, उनके अलावा शिव कुमार कक्का, अलावा अमरजीत सिंह, जगजीत सिंह, ये तमाम किसान नेता शामिल हुए। उन सभी ने ऐलान किया है कि 12 दिसंबर को पूरी तरीके से दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे बंद कर दिए जाएंगे। यानी किसानों ने साफ तौर पर अब कह दिया है कि अब ये आंदोलन जो है उसको और बढ़ाया जाएगा। साथ ही 14 दिसंबर को यानी आने वाले सोमवार को पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन बढ़ाए जाएंगे, इनमें और बल दिया जाएगा। यहां तक कि किसान नेताओं ने ये भी कह दिया है कि अब जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहां से सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से जुड़ने वाली सरहदों से दूध की जो गाड़ियां हैं, ताकि सप्लाई नहीं रुक जाए, लोगों को परेशानी ना हो सके, सब्जी और फलों की जो गाड़ियां हैं वो निकाली जाएंगी, अलावा उनके जो एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल्स हैं उनको ही निकाला जाएगा, बाकी गाड़ियों के ऊपर भी पाबंदी लगाई जाएगी। 14 तारीख को पूरी तरह से देश के अलग अलग राज्यों में, चाहे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के और कई इलाकों के अंदर ये कहा जा रहा है इन किसान नेताओं की तरफ से कि हम अब विरोध और प्रदर्शन जो है उसको बढ़ाएंगे। जो जिला अधिकारी दफ्तर हैं और जो पार्टी के कार्यालय हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनको भी घेरा जाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि अब किसानों ने सोच लिया है कि हमें कानून, जो कृषि कानून बनाए गए हैं, उन्हें हर हाल में वापस कराना ही होगा। संशोधन के लिए कोई भी किसान नेता तैयार नहीं हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ एक बार सुनिए, अगर अभी तक आप लोग नहीं सुन सके तो। कॉन्फ्रेंस में शिव कुमार कक्का, जंगवीर सिंह और राकेश टिकैत ने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने भी दो टूक कहा कि कोई भी किसान अब तैयार नहीं है कि हम लोग सरकार के भेजे हुए संशोधन प्रस्ताव को एक्सेप्ट करें, यानी पूरी तरह से उन्होंने इसे खारिज कर दिया। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसले लिए गए। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और MSP पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है
कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। क्योंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश रद्द कराना है और एमएसपी पर गारंटी का भुगतान, इसके भी हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजना है ये रहेगी, आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक तीन अध्यादेश नष्ट नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक तीन अध्यादेश नष्ट नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। अमित शाह के साथ जो कल किसान नेताओं की एक बैठक चली थी उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था कि विज्ञान भवन में होने वाली छठे राउंड की बैठक आज नहीं की जाएगी, उसको आज नहीं मुनाकिद किया जाएगा। वहीं अमित शाह ने एक वादा किया था कि आपको एक रिटन ड्राफ्ट भेजा जाएगा और उसी से बातचीत करके ही कुछ मसले का हल निकाला जाएगा। जो कुछ ड्राफ्ट सरकार की तरफ से संशोधन कानून लाने के लिए लिख करके भेजा अमित शाह की तरफ से, वो किसान नेताओं ने किसी कीमत पर नहीं माना। आंदोलन को और ज्यादा तेज करने, उसे बढ़ाने की जब खबर आई और साथ ही साथ एक टाइम टेबल जारी किया गया, जैसा आपने अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, तो उसके बाद सरकार में खलबली मच गई। तकरीबन ढाई घंटे तक, 5:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अमित शाह के घर पर केंद्रीय कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी लंबी बैठक चली। यानी किसानों ने अब ठुकरा दिया है सरकार का वो प्रपोजल भी जिस किसानों के पास संशोधन कानून के लिए भेजा गया था। किसानों ने अपनी आपसी बैठक के बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि जियो के सिम और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिलायंस के जियो के, उनका बायकॉट किया जाएगा। किसी कीमत पर जियो को, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, उसको प्रमोट नहीं होने देंगे और ना ही उसके प्रोडक्ट्स को, ना ही उसके सिम को हम इस्तेमाल करेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो यस या नो की स्थिति किसानों ने अब भी बरकरार रखी हुई है। यस इसलिए कि अगर सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेती है जिनको ये काला कानून कह रहे हैं, तो हम साथ हैं, आंदोलन हटा लिया जाएगा। और अगर नहीं, यानी सिर्फ संशोधन की बात करती है, अमेंडमेंट की बात सरकार करती है इन कानून में, एमएसपी के मुद्दे पे या एपीएमसी वगैरह को लेकर के, तो किसी कीमत पर ये लोग साथ नहीं देंगे, ना ही वहां से आंदोलन हटाएंगे और इसमें गर्मी पैदा करेंगे और इसको तेज करने की बात कह रहे हैं, यानी नो। विवादों से गहरा ताल्लुक रखने वाली कंगना रनौत के खिलाफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी एक एफआईआर नॉर्थ एवेन्यू थाने में दर्ज कराई है, क्योंकि कंगना रनौत ने जिस तरह किसानों को और किसान आंदोलनकारी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी की है, उसको देखते हुए किसान बेहद नाराज हैं। इसी बात पर जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने ये जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि इस लड़की के खिलाफ, इस एक्ट्रेस के खिलाफ हमने एक क्रिमिनल केस फाइल किया है। क्या कह रहे हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, सुनते हैं। आज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कंगना रनौत के खिलाफ नॉर्थ वेन्यू पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल केस दर्ज करवाया है। कंगना रनौत, जो कि बार बार किसान आंदोलन को एक हेट ट्वीट के माध्यम से बदनाम कर रही है, बार बार किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन बता रही है, और यहां तक ट्वीट करके उसने कहा कि जो बंद का आह्वान कर रहे हैं उनके खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, दो लोगों को आपस में लड़ाने के लिए एक जहर उगलने का काम कर रही है कंगना रनौत। इसीलिए दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने कंगना रनौत के खिलाफ ये क्रिमिनल केस दर्ज कराया है। पुलिस तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करे और ऐसे जहर फैलाने वाले, ऐसे देश के अंदर आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस को, सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। स्वराज इंडिया के रूह रवां और किसान आंदोलन में स्पोक्स पर्सन की भूमिका निभा रहे योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं उस बात को जो उन्होंने रखी है। तो किसी ने मांगा नहीं, उन तीन कानूनों को बीजेपी लेके आई। क्या कानून है, लंबे लंबे नाम है कानूनों के, मैं आपको बड़ा सिंपल देसी भाषा में समझा देता हूं। पहला कानून है जिसका नाम होना चाहिए जमाखोरी खोलो कानून,
पहले सरकार की तरफ से लिमिट थी कि खास तौर पे खाने पीने की जो चीजें हैं उसका स्टॉक बहुत ज्यादा व्यापारी इकट्ठा नहीं कर सकता। अब सरकार कहती है वो लिमिट हटा दी, जितना मर्जी स्टॉक बनाओ। वो क्यों? आप पंजाब में कभी जाके देखना, अडानी बड़े बड़े बना रहा है जिसको साइलो बोलते हैं। वो हमारे जैसे गोदाम नहीं है, हमारे बड़े बड़े गोदाम के 100 गुना बड़ा गोदाम है वो अडानी बना रहा है, पंजाब के अंदर शुरू हो गया है। तो सरकार ने वो लिमिट हटा दी है, चाहे जितना मर्जी गेहूं चावल दाल जितना मर्जी स्टॉक करो। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब किसान अपनी फसल बाजार में लेके आएगा उससे 10 दिन पहले वो स्टॉक अपना मार्केट में रिलीज कर देंगे और किसान की फसल का दाम डाउन। जब आपके कोठे में दाम गेहूं खत्म हो जाएगा, कणक अपनी सारी आप फेंक के आ जाओगे, उसके बाद अचानक कणकों का दाम अप। जब किसान ने बेचना होगा तो दाम डाउन, जब कंज्यूमर ने खरीदना होगा तब दाम अप। यही खेल है, पहले कानून का यह नतीजा होगा। दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठेके की खेती, ठेका अपने वाला नहीं, जो किसानों का आपस में ठेके की खेती होती है उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है, यह कंपनी और किसान में ठेके की खेती होगी। अपने यहां पे नहीं हुई है, पंजाब में आप फोन करके पता कर लेना। पंजाब में पेप्सी कंपनी आई थी, पेप्सी कंपनी ने आलू के किसान के साथ सौदा किया। सौदा मान लो ये कर लिया, 6 रुपए किलो तू आलू मेरे को दिया करेगा। पहले साल क्या हुआ, मंडी में आलू का दाम 10 रुपया। कंपनी किसान के पास आई डंडा लेके, तैने 6 रुपए का समझौता किया, निकाल आलू। सारा डंडे से कंपनी ने खरीदा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तेरे को देना पड़ेगा। अगले साल क्या हुआ, अगले साल आलू का दाम मंडी में 4 रुपया हो गया। किसान अब कंपनी के पास गया, जी हमने तो 6 रुपए का सौदा हुआ था। कंपनी ने कहा तेरे आलू का साइज ही ठीक नहीं है, तेरा आलू तो मीठा है, माल खराब है, 4 रुपए में देना है तो दे, नहीं तो चल। मन से नहीं मना रहा हूं, फोन करके पूछ लेना आप। मैं पटियाला मानसा घूम के आया था, यही हुआ है वहां किसानों के साथ। अब आप कहोगे जी कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी कहेगी ले जा अपना कॉन्ट्रैक्ट कर ले। कहां जाओगे? कानून कहता है पहली अपील एसडीएम के पास। वो कोई किसान एसडीएम के पास जा सकता है? दूसरी अपील डीएम के पास, अरे डीएम का तो चपरासी बाहर रोक लेगा मेरे को, कहां जाएगा, कैसे लागू करवाएगा, किसान बंधुआ हो जाएगा। ये दूसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट खेती का, मैं इसे कहता हूं बंधुआ किसान कानून। जैसे बंधुआ मजदूर होता है, किसान भी बंधुआ हो जाएगा, दूसरा कानून। तीसरा कानून है हमारी एपीएमसी की जो मंडी है, इसके बारे में कानून क्या है। सरकारी अपनी एपीएमसी की मंडी है, मंडी के बाहर एक प्राइवेट मंडी और बनेगी। प्राइवेट मंडी कौन बनाएगा? आप बना सकते हो प्राइवेट मंडी? ना जी, लाखों के मालिक हो गए लेकिन करोड़ों के बगैर काम नहीं चलता। प्राइवेट मंडी बनाने के लिए 100-200 करोड़ तो चाहिए। तो कौन बनाएगा? अंबानी बनाएगा, अडानी बनाएगा, प्राइवेट कंपनी होगी, अच्छा सा आलीशान ऑफिस होगा, एसी उसके अंदर फिट होगा, फिल्टर पानी मिलेगा, किसान जाके बैठेगा, वो कहेंगे सरदार जी चिंता ना करो, मार्केट में आपको मिल रहा है 1700, हम देंगे 1750। किसान वहां बेच आएगा, दूसरी फसल आएगी जीरी की आएगी, फिर कंपनी कहेगी कि इस बार तो हम 25 रुपए फालतू दे रहे हैं, इसके अलावा आपको रिलायंस कंपनी का बोनस और मिलेगा, ये कूपन मिलेगा, वो कूपन मिलेगा, किसान फिर उस चक्कर में आ जाएगा। एक सीजन, दो सीजन, तीन सीजन, चौथी फसल आते आते आपकी मंडी खत्म हो जाएगी, सरकारी मंडी में कोई बचेगा नहीं, सारे आड़ती छोड़ छोड़ के बाहर आ जाएंगे। क्यों बढ़ेगा भाई, कोई पागल होगा जो अंदर बैठेगा? चौथे सीजन तक आपकी मंडी हो जाएगी खत्म, और फिर जब आप जाओगे रिलायंस वाली मंडी में, वो कहेगा जी अपना तो 1400 का रेट है, देख लो सरदार जी, करना है तो कर लो, नहीं तो कोई गल नहीं। उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं है, ये सारा वही खेल है, मेरे नौजवान साथी समझ रहे होंगे, जियो कंपनी ने जो खेल किया था पहले, तो जी मुफ्त में इंटरनेट फ्री, इतनी कॉलें फ्री, कोई चक्कर ही नहीं, जी ले लो जियो का कनेक्शन ले लो। बाद में जब सबको लग गई लत, अब कंपनी ने बढ़ा दिए रेट, अब कोई रास्ता नहीं, यही खेल होगा। कुल मिला के खेल किसे मैं कहता हूं, इस कानून का नाम होना चाहिए मंडी तोड़ो एमएसपी छोड़ो कानून। मंडी तोड़ने का कानून है, पिछले 60-70 साल में किसान के सर पे छप्पर है, ये मंडी और कुछ नहीं, छप्पर टाइप सा है।
छप्पर अच्छा नहीं है, टूटा भी हुआ है, लीक करता है। 100 शिकायत है, मेरे को भी शिकायत है मेरी मंडी के बारे में, हर एक को शिकायत है। तो मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भाई किसान के सर पे जो छप्पर है ये टूटा हुआ है, लीक कर रहा है, ऐसा करो छप्पर ही हटा दो, किसान नीली आकाश देखेगा, रात को तारे दिखाई देंगे, किसान को आजादी दे दी है जी हमने। किसान कहता भाई ये आजादी ना चाहिए मेरे, अगर मेरी छत पक्की कर सको तो कर दो, नहीं तो मेरा छप्पर ही रहने दो। ये सारी जो बातें करते ना, किसान को आजादी दे दी हमने, ये वो, यही आजादी है। रात को तारे देखो, बारिश होगी तो सारा पानी घर के अंदर, और जब लू होगी, गर्मी होगी तो सारा सूरज धूप उसके अंदर, ये वाली आजादी है, ये ना चाहिए। सरकार के साथ अब किसानों की अगली मीटिंग कब होगी, इसका मसौदा तो अभी नहीं तय किया गया है, ना वो वक्त बताया गया है। यकीनन आपको उसके बारे में अपडेट किया जाएगा, लेकिन ये देखना अब दिलचस्प होगा कि जब भारत बंद के बाद अब जो किसानों की तरफ से 12 दिसंबर को दिल्ली आगरा और दिल्ली जयपुर हाईवे पूरी तरह से ठप करने की, चक्का जाम करने की बात कही गई है, और 14 तारीख को देश भर में तमाम स्टेट्स में, सभी राज्यों में जो जिला अधिकारियों के दफ्तर और साथ ही साथ जो पार्टी के कार्यालय हैं उन्हें घेरने की बात आ रही है सामने, तो उससे पहले क्या कोई ना कोई सॉल्यूशन या हल सरकार निकाल लेगी, सरकार पीछे हट जाएगी या फिर किसानों को पीछे हटना पड़ेगा, यह अब देखना होगा। इस खबर पर आप लोग हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया, आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।